G20 के मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर पार्टी, बाइडेन समेत 170 हस्तियां शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया मेहमानों का स्वागत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ डिनर के लिए पहुंचे भारत मंडपम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वागत किया। स्टेट डिनर के लिए जापान के पीएम पत्नी के साथ पहुंचे। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना भी भारत मंडपम में मौजूद। जर्मनी के चांसलर समेत दुनिया के 20 ताकतवर देशों के प्रमुखों का डिनर पार्टी में हुआ जोरदार स्वागत। सीएम हेमंत सोरेन, सीएम नीतीश कुमार, सीएम सुक्खू समेत सीएम स्टालिन डिनर में शामिल। विपक्ष के नेता को डिनर पर ना बुलाने को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। भूपेश बघेल बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाना गलत है। सीएम बघेल ने कहा, इंदिरा गांधी के दौर में 40 साल पहले आए थे 100 राष्ट्राध्यक्ष और अब 20 में से भी कुछ ही लोग आए। बघेल ने कहा, इस बैठक का अभी तक नहीं दिख रहा है कोई नतीजा। खड़गे को इनविटेशन ना मिलने पर पी चिदम्बरम ने भी सरकार को घेरा। कहा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि डिनर में विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं किया। रात्रि भोज में न्योता ना मिलने पर भड़के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले, केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए थी ऐसी ऊंची राजनीति। G20 समिट के पहले ही दिन भारत को बड़ी कामयाबी। सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ पास। G20 समिट साझा घोषणा पत्र पर सहमति का पीएम मोदी ने किया ऐलान। दूसरे सेशन की शुरुआत से पहले हुई घोषणा। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर बनी सहमति के लिए पीएम मोदी ने शेरपा मंत्री और अधिकारियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, नई दिल्ली डिक्लेरेशन अपनाने से रचा गया इतिहास। G20 समिट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को मिली मंजूरी। यूक्रेन युद्ध पर G20 देशों का मतभेद खत्म। डिक्लेरेशन पर सबकी सहमति बनी, रूस का जिक्र। 37 पन्नों का है नई दिल्ली डिक्लेरेशन। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया। डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध को लेकर कही गई बड़ी बात, किसी देश की अखंडता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन के बीच ग्रेन डील को फिर से बहाल करने की अपील की गई। घोषणा पत्र में वैश्विक समस्याओं को सुलझाने और एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर। डिक्लेरेशन के मुताबिक अब सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर करेंगे काम। भारत की पहल पर बनाया गया वन फ्यूचर अलायंस। घोषणा पत्र में सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की। आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। घोषणा पत्र के मुताबिक मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंकों को दी जाएगी मजबूती, उन्हें बड़ा और बेहतर बनाया जाएगा। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में क्रिप्टो करेंसी का भी जिक्र। बनाई जा सकती है ग्लोबल पॉलिसी। तेजी से विकास करने वाले शहरों को दिया जाएगा फंड। ग्रीन और कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने डिक्लेरेशन को बताया ऐतिहासिक। कहा, पीएम ने किया शानदार काम। अमेरिका में आया इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एक्ट। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर हटेगी पाबंदी। भारत में बेचने की होगी आजादी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की शानदार मेजबानी से हुए खुश। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। रेल और बंदरगाह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक डील। यूरोप को जोड़ते हुए बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। मोदी बोले, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनी सहमति, कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर राष्ट्रपति बाइडेन बोले, समझौते को पीढ़ियां याद रखेंगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बोले, इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत जल्द लॉन्च होगा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। भारत यूएई सऊदी अरब ईयू फ्रांस इटली जर्मनी और अमेरिका इसमें शामिल होगा। यूरोपियन यूनियन ने किया भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का स्वागत। G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस की भी लॉन्चिंग हुई। अलायंस में भारत अमेरिका बांग्लादेश समेत 9 देश शामिल। दिल्ली में G20 सम्मेलन जारी। पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का भारत मंडपम में स्वागत किया। फोटो सेशन में बेहद गर्मजोशी से मिले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी। कोणार्क व्हील की तस्वीरों के बारे में जानकारी दी। शिखर सम्मेलन के पहले सेशन में वन अर्थ पर दुनिया के ताकतवर प्रमुखों ने चर्चा की। जलवायु परिवर्तन पर फोकस रहा। सम्मेलन के स्वागत भाषण में पीएम मोदी बोले, 21वीं सदी का समय दुनिया को नई दिशा देने वाला है। G20 के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया भेद मिटाने का मंत्र। कहा, साथ मिलकर हर वैश्विक चुनौती का मुकाबला करेंगे। पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत की पहल पर G20 बना G21। अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हुआ। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने पर जयशंकर बोले, बाली में हुई G20 की बैठक में पीएम मोदी ने गारंटी दी थी जिसे पूरा किया गया। पीएम मोदी ने स्वागत भाषण में सबसे पहले मोरक्को में आए भूकंप पर दुख जताया। हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
G20 समिट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रॉन दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। कल फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे पीएम मोदी। कनाडा के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत। तुर्की, यूएई, साउथ कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत कल। G20 समिट के दौरान चीन से नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और पीएम मोदी की गर्मजोशी से मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। G20 बैठक से इतर पीएम मोदी ने की जापान के पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात। आपसी सहयोग बढ़ाने पर रहा फोकस। कल पीएम मोदी की कॉमरोस, तुर्की, यूएई, ब्राजील के प्रमुखों से मुलाकात। दोनों देशों में होगी द्विपक्षीय बात। सुनक बोले, 15 साल पहले वित्तीय संकट के बाद वैश्विक विकास को बहाल करने के लिए साथ आए थे G20 लीडर। सुनक ने कहा, इस बार हम भारी चुनौतियों के साथ मिल रहे हैं। लीडरशिप के लिए दुनिया फिर G20 की तरफ देख रही है। स्पेन की उपराष्ट्रपति नादिया ने G20 के प्रभावी नेतृत्व के लिए भारत को बधाई दी। G20 के सत्र में नादिया ने कहा, सभी सदस्य देशों ने साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस बोले, ब्रिक्स में हमें शामिल करने के लिए पीएम मोदी समेत सभी राष्ट्राध्यक्षों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली पहुंचे यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, पूरी दुनिया के लिए खतरा है आतंकवाद। एंटोनियो गुटेरेस ने जमकर वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर थीम की सराहना की। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी दिल्ली में मौजूद। विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की कोशिशों की तारीफ की गई। भारत मंडपम में पीएम मोदी से मिले विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। पीएम ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। समिट के दूसरे सेशन में वन फैमिली पर हुआ मंथन। कल तीसरे सेशन का वन फ्यूचर पर फोकस रहेगा। G20 के नारे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज किया। कहा, पीएम वन मैन वन गवर्नमेंट और वन बिजनेसमैन में विश्वास रखते हैं। G20 की तैयारी को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, गरीबों और जानवरों को छिपा रही है सरकार। राहुल गांधी ने कहा, हमारे देश की सच्चाई हमारे मेहमानों से छिपाने की नहीं है कोई जरूरत। पीएम मोदी के भाषण के वक्त इंडिया की जगह भारत लिखी हुई नेम प्लेट पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव। कहा, इंडिया गठबंधन से घबरा रहे हैं मोदी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वायु, जल और थल से की जा रही है समिट की निगरानी। सम्मेलन के दौरान दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। रायसीना हिल्स में दिल्ली पुलिस का अभेद पहरा। बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही को बंद किया गया। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील। कनॉट प्लेस में दूरबीन से निगरानी। कल सुबह राजघाट पहुंचेंगे समिट में आए G20 देशों के प्रमुख। महात्मा गांधी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। G20 के लिए पूरी तरह सजी हुई है दिल्ली। मुख्य समारोह स्थल प्रगति मैदान इलाके की बदली रौनक। एनडीएमसी हेडक्वार्टर की भी हुई खास सजावट। देखते ही देखते बन रही है खास तस्वीरें। दिल्ली में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना भारत मंडपम। रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है मंडपम। के सामने लगे फाउंटेन बने खूबसूरती की शान। रात में खूबसूरती में और लग रहे हैं चार चांद। मेहमानों के स्वागत में नहीं है कोई भी कमी। 800 पतंगों से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को सजाया गया। संस्कृति मंत्रालय ने तैयार की खास एग्जीबिशन। देश की कला संस्कृति का अनुभव कर रहे हैं मेहमान। राज्यों के आर्ट स्टॉल भी बने आकर्षण का खास केंद्र। महाराष्ट्र और तेलंगाना के स्टॉल्स की तारीफ। भारत मंडपम में देश भर की कलाकृतियों के लगाए गए स्टॉल। प्राचीनता और आधुनिकता का संगम दिखा। G20 समिट के क्राफ्ट बाजार में लगी कश्मीर हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी। दस्तकारों ने खुशी जाहिर की। ताजमहल देखने पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बेटे केसांग पंगारे। पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कल सुबह दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का दर्शन करेंगे। पत्नी अक्षता भी साथ रहेंगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में घोटाले का है आरोप। चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने नंदियाला शहर के ज्ञानपुरम से गिरफ्तार किया है। सुबह करीब 6 बजे वारंट जारी करने के कुछ ही देर बाद गिरफ्तारी हुई। आंध्र प्रदेश पुलिस का बयान, कौशल विकास निगम में 550 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से भड़के टीडीपी कार्यकर्ता विजयवाड़ा में प्रोटेस्ट किया। नायडू की गिरफ्तारी पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, मोदी और शाह ने शुरू की विरोधियों को जेल में डालने की परंपरा।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आरोपों को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, हेलीकॉप्टर उड़ान को अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हंगामा, सिहोरा को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, राज्यपाल को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, झूठ परोसने के लिए गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए दिग्विजय और कमलनाथ का नाम। संचारी रोगों को लेकर सीएम योगी का आदेश, हर अस्पताल में नियुक्त होना चाहिए नोडल ऑफिसर, हर शाम होना चाहिए निरीक्षण। 7.2 की तीव्रता के भूकंप से दहला अफ्रीकी देश मोरक्को, भूकंप से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भूकंप की तबाही से कई इमारतें जमींदोज हो गई, मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम अब भी जारी। मोरक्को का एटलस पर्वत था भूकंप का एपिसेंटर, जमीन से 18 किलोमीटर नीचे तक कांपी धरती। भूकंप से लोगों में दहशत, भागते दिखे लोग, 120 साल में यह सबसे ताकतवर भूकंप आया है। भूकंप से पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आया, सड़क पर आवाजाही में परेशानी। रूस ने यूक्रेनी इलाके पर फिर की विध्वंसक मिसाइल स्ट्राइक, हमले में 70 से ज्यादा लोग हुए घायल। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे हैं रूस के Su-25 फाइटर जेट्स, बमबारी में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। एक्शन में दिखे रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर, यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना। पश्चिमी देशों से ज़ेलेंस्की की गुहार, रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए कहा गया।